जोशियाड़ा बैराज गेट के पास यूजेवीएनएल के खाली पड़ी जमीन पर हेलीकॉप्टर के ट्रायल को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि यूकाडा की ओर से शनिवार को हेलीकॉप्टर लैंडिंग का सफल ट्रायल किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपातकालीन सेवा को मिलने के साथ ही वीवीआईपी दौरों और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हो पाएगा। यूकाडा की रिपोर्ट आने के बाद हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर जो भी खामियां रही उसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। से 8 किलोमीटर दूर है और बीच में काफ़ी सारे रिवलेट्स और ड्रेनेज हैं, तो इस कारण से ड्यूरिंग द डिजास्टर अगर कभी रोड डिसकनेक्ट होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास में इमरजेंसी हेलीपैड नहीं है। तो उसी क्रम में आज हम लोगों ने यूकाडा से कुछ समय पहले रिक्वेस्ट किया था कि एक यूजीवीएनएल की खाली लैंड है और पर्याप्त स्पेस है तो उस पर आसानी से लैंडिंग की जा सकती है। तो उसी क्रम में आज यूकाडा ने ट्रायल लैंडिंग की और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उनकी तरफ से परमिशन मिलती है तो यहाँ पर परमानेंट फैसिलिटी के तौर पर चीज़ें डेवलप होगी। उत्तरकाशी से अमेंद्र हमारे संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरी खबर को लेकर। अमेंद्र, कह सकते हैं कि प्रशासन की कोशिशें कामयाब हुई हैं और इससे बहुत कुछ फायदा आने वाले समय में हो सकता है उत्तरकाशी के लिए? जी निश्चित तौर पर कमल, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी भूकंप की दृष्टि से हो या आपदा की दृष्टि से हो काफी संवेदनशील जनपद है और जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है 2002 की आपदा हो या 2003 या 2016 की आपदाएं हो, लगातार उत्तरकाशी के लोगों ने आपदाओं की मार झेली है और कहीं ना कहीं जो है इमरजेंसी के टाइम में कहीं ना कहीं एक आपातकालीन हेलीपैड की यहाँ पे कमी खली है क्योंकि यहाँ पे मातली में जो है आईटीबी कैंप के पास हेलीपैड तो है लेकिन जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी है और इस समय जनपद में लगातार जो है ऑल वेदर का कार्य गतिमान है जिसके चलते जो है रोड की स्थिति काफी खराब है। उसके लिहाज से यहाँ पे जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने यूकाडा की ओर से यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल किया था और अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले टाइम में जो है आपातकाल में ये ट्रायल जो है उत्तरकाशी के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जी अमेंद्र, और भी बहुत से फायदे हैं अगर ये सफल होता है ट्रायल, क्योंकि देखा जाता है कि पर्यटन के लिहाज से भी इससे काफी फायदा मिल सकता है और जैसा कि आपने जानकारी भी दी है रिपोर्ट में कि वीवीआईपी दौरों को लेकर भी इससे लाभ मिल सकता है। जी निश्चित तौर पर कमल, की मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल हो या हरकी दून जैसे स्थल है या हरसिल या गंगोत्री यमुनोत्री और जो गौमुख के लिए ट्रैकर्स आते हैं निश्चित तौर पर उनको भी यहाँ पे अगर ये ट्रायल सफल होता है तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से भी उत्तरकाशी में इससे काफी फायदा होगा क्योंकि जो पर्यटक यहाँ पे पर्यटन स्थलों के लिए आएंगे वो निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होंगे और उत्तरकाशी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अमेंद्र, प्रशासन को ये ट्रायल अब बिल्कुल खरा उतरेगा अपनी उम्मीदों पर? मेरी आवाज पहुंच पा रही है अमेंद्र आपके पास? जी कमल बताइए। जी अमेंद्र, मेरा सवाल ये था कि उम्मीद कितनी ज्यादा है प्रशासन को कि ये ट्रायल सफल होने वाला है? जी कमल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन इस ट्रायल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और जिस तरह से हमारी जो है युगांडा के अधिकारियों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई है वह निश्चित तौर पर सफल होगी क्योंकि काफी खाली स्पेस है और जिस हिसाब से यहाँ पे जिला अधिकारी उत्तरकाशी ने भी कहा है कि अगर यूकाडा की ओर से जो है उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है तो यहाँ पे जो है परमानेंट व्यवस्था के तौर पे यहाँ पे हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा और ये उत्तरकाशी के लिए बहुत अच्छी खबर भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमेंद्र, आपने जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर। आपातकालीन सेवा को फायदा मिलेगा, वीवीआईपी दौरों को लेकर भी लाभ पहुंचेगा, पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी कुछ फायदा मिल सकता है उत्तरकाशी को। तो ये तमाम जो बिंदु हैं इन पर ही ये ट्रायल टिका है। अगर ये ट्रायल सफल होता है यानी कि यूकाडा की तरफ से रिपोर्ट अच्छी आती है तो उत्तरकाशी के लिए ये अच्छी खबर हम कह सकते हैं।